नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 30 अक्टूबर और आज के जो प्रमुख रोजगार समाचार हैं जो विद्यार्थी जीवन से संबंधित हैं वो खबरें इस वीडियो में रखी गई हैं। और जो प्रमुख खबर है कि यूपीटीटी 2018 के जो एडमिट कार्ड हैं वो आज शाम तक अपलोड कर दिए जाएंगे और परीक्षा नियत समय पर 18 नवंबर को आपकी होगी। उसके बाद में कुछ और खबरें हैं लोक सेवा आयोग की, फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की तारीख तय हो गई है, अब ये परीक्षा 18 नवंबर को नहीं होगी। और जो 41,000 नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका वेतन अभी नहीं, अभी उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि खबरें आ रही थी पहले कि इनका वेतन दे दिया जाएगा बहुत जल्द, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की कुछ समाचार हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में ये बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में सारे अपडेट्स, करेंट अफेयर्स इत्यादि दिए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहली खबर है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की टीटी के बारे में। सभी अखबारों में ये खबर छपी हुई है कि टीटी के प्रवेश पत्र आज शाम को लगभग 4 बजे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप लोग अपना देख सकते हैं कि सेंटर आपका कहाँ गया है। इसमें टाइम भी दिया हुआ है कि अभ्यर्थी मंगलवार की शाम 4 बजे के बाद अपना प्रवेश पत्र देख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा संशय भी है क्योंकि वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है आज शाम तक या रात तक अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो अगली खबर है जो कई समाचारों में दी हुई है पत्रों पर कि लोक सेवा आयोग में लगातार प्रश्नों में गलती हो रही है, जो आंसर की आती है उसमें भी गलतियां हो रही हैं, तो इसके लिए जो नए विशेषज्ञ हैं अब आएंगे उसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं और उसकी कल लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस सहित अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों और उसके उत्तर में गलती की शिकायत कोई नई नहीं है, पिछले कई वर्षों से आयोग की भर्तियों में गलत प्रश्न और उत्तर का मामला सामने आ रहा है। तो दोस्तों अब इसमें नए विशेषज्ञ लिए जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 57 विषयों के विशेषज्ञों से मांगे गए आवेदन, आयोग ने केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालय मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों के 57 विषयों के शिक्षकों से आवेदन मांगे हैं। आवेदन की प्रक्रिया सितंबर में शुरू हुई थी, 30 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है, तो दोस्तों इसकी लास्ट डेट है वो आज ही है। और उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश की पीसीएस परीक्षा जो अभी हुई है 28 तारीख को, उसमें भी कई प्रश्नों में गलतियां आई हैं। सीसेट वाले जो पेपर था सेकेंड वाला उसमें भी गलती हैं और जो फर्स्ट पेपर था उसमें भी प्रश्न गलत हैं। टीटी के प्रवेश पत्र को लेकर के अलग अलग समाचारों में अलग अलग खबरें हैं। तो किसी समाचार पत्र में लिखा है कि इसका जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड होने पर संशय है क्योंकि बहुत सारे काम अभी हैं वो नहीं पूरे हो पाए हैं। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीटी 2018 का प्रवेश पत्र मंगलवार को वेबसाइट पर अपलोड हो पाने की उम्मीद बहुत कम है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सोमवार शाम तक परीक्षा केंद्रों पर आवंटित अभ्यर्थियों का आंकड़ा दुरुस्त करने में व्यस्त रहा है। राय, बरेली, गाजीपुर जिलों में कुछ परीक्षा केंद्र बढ़ाए जा रहे हैं तो कुछ जिलों में केंद्र कम करने की तैयारी है। संभव है प्रवेश पत्र बुधवार से अभ्यर्थी डाउनलोड कर पाएं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए इसको, अगर आज नहीं तो आप लोगों का कल इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद में यूपी ट्रिपल एससी से जो जेई के 1477 पदों के लिए आवेदन मांगा गया था तो उसके आवेदन आज से शुरू हो जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अवर अभियंता जेई के 1477 पदों के लिए आवेदन मंगलवार से लिया जाएगा। भर्ती के लिए ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन के साथ फीस मंगलवार को जमा की जा सकती है। तो इसमें पॉलिटेक्निक वाले विद्यार्थियों को मांगा गया है और अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग सीटें हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिए, जो लोग इसके योग्य हों तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगली खबर है वो है 41,000 शिक्षकों की। ऐसा सुनने में आ रहा था कि इनकी वेतन की देने की तैयारी हो रही है, लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ जब सामने आई तो ये तय किया गया कि सबसे पहले इनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार अभिलेखों में हेरा फेरी करके शिक्षक पद पर चयनित होने वालों पर FIR दर्ज कराने का आदेश दे चुके और लगातार जिलों से रिपोर्ट मांग रहे हैं, इसके बावजूद बेसिक शिक्षा अधिकारी अपनी कार्यशैली बदलने को तैयार नहीं है। तो ये एक खबर है और इसमें भी लिखा हुआ कि पहले फेल फिर पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति को मांगा निर्देश। तो जो अभी हाल ही में 45 अभ्यर्थी की जो सूची जारी हुई है जिनकी लिखित जो परीक्षा थी उसकी उत्तर पुस्तिका में कुछ और नंबर थे, रिजल्ट में कुछ और नंबर थे, तो उनको बहुत जल्दी नियुक्ति दी जाएगी, ऐसे निर्देश दिए गए हैं।
उसके बाद में रेलवे के जो तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है कि अब जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पदों पर होने वाली भर्ती, जो सीधी भर्ती होती थी, उस पर एक साल के लिए रोक लगा दी गई है। इसमें लिखा हुआ है कि इससे बीटेक डिग्री धारकों को जबरदस्त झटका लगा है। इन पदों पर अब जूनियर इंजीनियरों को प्रोन्नत किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेकार खबर है, लेकिन खबर तो खबर होती है। और फिलहाल इसमें लिखा हुआ कि एक साल के लिए जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है उसके पदों पर रोक लगा दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। फिर जो अगली खबर है, आप लोगों ने सुनी लिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जो लिखित परीक्षा है अब 18 नवंबर को ना होकर के 15 दिसंबर से अब ये परीक्षा होगी। अब ये परीक्षा 3 चरणों में होगी, 5, 12, ये लिखा हुआ है कि इसमें 5 व 12 जनवरी का कार्यक्रम जारी। तो ये जो इसकी डेट जो बढ़ाई गई है वो UPTET की वजह से बढ़ाई गई है। उसके बाद में एक और खबर है SSC वालों के लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो पक्ष है कि वो SSC की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द होनी चाहिए। नीचे लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट SSC 2017 की दागी परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने के पक्ष में है। शीर्ष अदालत ने इस परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर पहले ही रोक लगा दी थी। अदालत का कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या CBSE छात्रों के हित में इस परीक्षा का नए सिरे से आयोजन करा सकते हैं। पीठ ने कहा कि इस दागी परीक्षा में अनियमितताओं के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना काफ़ी कठिन काम है, इसलिए इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थियों ने अभी हाल ही में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, बहुत सारे विवाद सामने आए थे SSC में। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ये पक्ष है, इसमें छपा हुआ अखबार में। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक तो यही अपडेट है, और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। और जिन मित्रों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक भी कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।